Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 11th, Light, Shadows and Reflections. इस chapter में हम light, shadow and reflection के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखेंगे हम light के बारे में. Light helps us to see objects. Light जो है हमारी help करती है object को देखने में. ठीक है? We see different object when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and travel towards our eye. We see different objects. हम अलग अलग objects को देखते हैं. जब light जो होती है कहाँ से आती है? Luminous object से आती है, like sun से, torch से या फिर electric fall से. On these travel towards और यहाँ से travel करके हमारी आँख को तक आती है. A given object or material could be transparent, translucent or opaque. Depending on whether it allows light up to pass through it completely, partially or not at all. A given object or material could be transparent. A given object or material जो होता है या तो वो transparent हो सकता है, translucent हो सकता है, opaque. Depending on, depend करता है कि या तो allow कर दे light को कि वो pass हो जाए completely या फिर वो उससे completely pass ना हो पाए. इस चीज पे ये depend करता है. We need a source of light and a ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो. हमें क्या होता है, हमें कोई ना कोई लाइट का सोर्स चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि हम उसका शेडो देख पाए. हमें शेडो कब दिखाई देगी, जब हम लाइट होगी उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट की जो है वो परछाई बनेगी, शेडो बनेगी और हमें दिखाई देगी. तो इस तरीके से हमने लाइट के बारे में देखा कि लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में. डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं. We see different objects when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and travels towards our eye. We see, हम देखते हैं different different object. हम देखते हैं different different object when light from a luminous object. जब light जो होती है like sun से आती है, torch से आती है और an electric light से आती है, वो किस पे आकर गिरती है, falls on these and travels towards our eye. इन ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरती है तो वो ट्रेवल करके कहाँ आती है, टुवर्ड्स आईज, हमारी आंखों की तरफ आती है. ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट. ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि लाइट जो है इसके पास हो रही है या नहीं हो रही कंप्लीटली. ठीक है, उसके बेसिस पे हम ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट को देखेंगे कि लाइट कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट से पास हो रही है या नहीं हो रही. फिर हमने देखा कि हमें अगर शेडो देखनी है तो उसके लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और लाइट का सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि जब लाइट का सोर्स ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उसकी शेडो बनेगी जो हमें दिखाई देगी. इस तरीके से हम आगे चैप्टर में और देखेंगे. रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं. Pinhole camera can be made with simple material and can be used to image the sun and brightly lit objects. Pinhole camera जो होता है वो किसका बना होता है, कुछ सिंपल मटीरियल्स होते हैं उनका बना होता है. एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन, इसका यूज किया जाता है टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट. और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जला देता है. ठीक है, ल्यूमिनस कुछ डेफिनेशन देखेंगे. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन और ट्यूब लाइट दैट गिव लाइट टू देयर ओन. ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सन और ट्यूबलाइट जो क्या करते हैं, जो लाइट देते हैं अपनी खुद की जो लाइट होती है वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये क्या होते हैं, लाइट देते हैं अपनी खुद से. ठीक है, ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. इनसे क्या है, कभी भी लाइट पास नहीं होती है, ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट दो वर्ड्स हमने पहले पढ़े थे, अब हम ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट को समझेंगे क्या होता है. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं लाइट को कि वो उनमें से होकर पास हो जाए. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, जो उसमें से पास हो जाते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. और वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं लाइट को कि वो उसमें से इजीली पास हो जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट. ट्रांसल्यूसेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलाउ करते हैं पार्टिकल, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पार्टिकल लाइट टू पास थ्रू देम. ऑब्जेक्ट दैट अलाउ पार्टिकल पार्शियल लाइट टू पास थ्रू देम. ऑब्जेक्ट दैट अलाउ
that allow partial light to pass through them. जो light है वो उनमें से pass हो जाए, वैसे जो object होते हैं वो कौन से होते हैं? Translucent. Translucent जो object होते हैं वो क्या करते हैं, ताकि easily light जो है उनमें से pass हो जाए, ऐसे जो object होते हैं वो होते हैं translucent. ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट के बारे में हमने देख लिया. कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो लाइट को पास होने देंगे वो होंगे ट्रांसपेरेंट, और जो लाइट को पास नहीं होने देंगे वो होंगे ट्रांसल्यूसेंट. पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट विद अ टीनी अपर्चर कॉल्ड पिनहोल विच गिव्स इनवर्टेड एंड रियल इमेज. एक सिंपल कैमरा होता है बिना किसी लेंस के बट विद अ टीनी अपर्चर कॉल्ड पिनहोल, जिसको क्या कहा जाता है, एक टीनी अपर्चर होता है जिसको पिनहोल कहा जाता है, विच गिव्स इनवर्टेड एंड रियल इमेज, जो एक इन्वर्टेड और रियल इमेज देता है उसको कहा जाता है पिनहोल कैमरा. ठीक है. लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होती है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से. मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस अ क्लियर इमेज, मिरर का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो हमें एक क्लियर इमेज देता है. मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें क्लियर इमेज देता है. मिरर क्या होता है? मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट. मिरर क्या है? मिरर एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ये सारे टर्म्स हमें ध्यान रखनी है. मिरर का काम क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना. पिनहोल कैमरा का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये हमें देता है इन्वर्टेड और रियल इमेज. ठीक है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द सरफेस ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का जो बाउंसिंग बैक होता है थ्रू द सरफेस ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट, लाइट का वापस पीछे हो जाना शाइनी ऑब्जेक्ट से, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है. ठीक है. तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया. हमने इस चैप्टर की डेफिनेशन कीवर्ड्स दोनों देखे. मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो ही हमें क्लियर इमेज दे पाता है. हमने लाइट रिफ्लेक्शन शेडो तीनों चीजें देखी कि शेडो हमें तब दिखाई देगी जब मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा होगा और उस पर लाइट का फोकस आएगा तो हमें उसकी शेडो दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, उस पीडीएफ के थ्रू आप चैप्टर का रिविजन करोगे.